हेलो गाइस, मैं हूं कैफ फ्रॉम नॉइस्टक और ये है हॉपअप का नया TWS एडोज H30। एडोज सीरीज का तीसरा TWS है। पहला TWS आया था वो फुल इन ईयर डिजाइन के साथ आया था, जिसमें आपको सिलिकॉन टिप स्टेम वाला डिजाइन। दूसरा TWS आया वो आया स्टेमलेस डिजाइन। अब ये तीसरा वाला आया जिसमें आपको मिल जाता है हाफ इन ईयर डिजाइन। इसका प्राइस होने वाला है 899 रुपीज। पर क्या आपको पता है लॉन्च प्राइस इससे भी कम होने वाला है, मतलब एक अमेजिंग डील ये हो सकती है। इसको हमने 3 से 4 दिन यूज कर लिया है एंड इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे ये TWS कैसा है एंड क्या सही में आपको ये लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले अगर बॉक्स की बात करें, ऊपर आप देखोगे हॉपअप एडोज H30 लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे की हाइलाइट्स है, राइट साइड पे की हाइलाइट्स है, पीछे आपको कुछ की हाइलाइट्स लिखे दिख जाएंगे। उसके बाद ऐसे आपने खोल के डब्बा बाहर निकाला, सबसे पहले ऊपर TWS रखे रहते हैं, हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया। उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा है जिसके नीचे पहले आपको एक यूजर मैनुअल मिलती है, एक यहाँ पे ये वारंटी कार्ड मिल जाता है एंड देन इस डब्बे के अंदर आपको आपकी टाइप सी की केबल मिल जाती है। भाई तो मस्त छोटू डिजाइन के साथ आता है, काफी ज्यादा छोटा पैकेट लगा मुझे ये। आप जब इसको फर्स्ट टाइम देखोगे आप सही में सोचोगे भाई ये TWS है, इतना छोटे डिजाइन में आता है। पूरा मैट फिनिश है, ऊपर हॉपअप का ब्रांडिंग है, पीछे टाइप सी का पोर्ट है, सामने LED दी गई है। मैट फिनिश होने के कारण थोड़ा थोड़ा स्लिपरी है, हाथों से स्लिप हो जाता है, ऐसे लग रहा है ऐसा कोई छोटा मोटा कंचा पकड़ा हुआ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई, कोई स्क्रैचेस अब तक नहीं आए, साथ ही साथ लिड की क्वालिटी काफी अच्छी है। लिड का मैग्नेट भी मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा है। तो अंदर आपको ऑफकोर्स हाफ इंच डिजाइन वाला TWS मिलेगा जो एकदम भाई छोटा है। उसके ऊपर आपको छोटा सा हॉपअप का ब्रांडिंग और वही पे टच एरिया मिल जाएगा। नीचे का स्टेम आपको मैट फिनिश मिलेगा और वहाँ पे माइक भी मिल जाएगा एंड अंदर का पार्ट इन बड्स का पूरा ग्लॉसी है। हाफ इन ईयर डिजाइन होने के कारण बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है, वो है कम्फर्ट। ये बड्स का कम्फर्ट मुझे अच्छा लगा। जनरली मैंने ये देखा है कि हाफ इन ईयर डिजाइन के जो TWS रहते ना उनका कम्फर्ट इतना अच्छा नहीं होता है, बट वो चीज मैंने यहाँ पे नहीं देखी है। अच्छे कम्फर्ट के साथ आता है, आप आराम से कुछ भी कर लो, ये आपके कानों से नहीं गिरेंगे। उसी के साथ साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। एक्टिव एंगेज बोल रहे हैं वो लोग कनेक्टिविटी को। अच्छी खासी फास्ट पेयरिंग देखने मिलती है। यहाँ पे ये लोग ने हॉल स्विच भी दिया है, मतलब जैसे ही इसको खोला 2-3 सेकंड 4 सेकंड में आपके फोन से पेयर हो जाएंगे। मोरबोर्ड फीचर परफेक्ट काम कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 होने के कारण 12 से 15 मीटर की बहुत इजिली अच्छी रेंज भी हैंडल कर लेता है। एंड अब बात किया जाए यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो यार ये लोग ने एक टर्म यूज किया है बेस बॉम्बर्स, जो बेसिकली हाई बेस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे 13 mm के ड्राइवर एंड एक अच्छा खासा पीस क्वालिटी डेफिनेटली रिच बेस मिलेगा आपको। एकदम ज्यादा धनधन चंचन वाला नहीं, बट एक अच्छा खासा बेस क्वालिटी जो आपको फील होगा एंड उस बेस के कारण ट्रेबल्स भी सप्रेस नहीं होते हैं। ट्रेबल्स काफी क्लियर मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स काफी क्लियर मिलेंगे एंड डेफिनेटली अच्छा सूदिंग साउंड क्वालिटी आपको मिलेगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली 900,000 के प्राइस में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटीज दैट यू कैन गेट। अगर आपको एक अच्छा बेस चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 100% वॉल्यूम में भी यहाँ पे मैंने कोई डिस्टॉर्शन नहीं देखा, बट मैंने यहाँ पे साउंड लीकेज थोड़ा सा देखा क्योंकि यहाँ पे कोई सिलिकॉन की टिप्स नहीं दी गई है, जिस कारण 100% वॉल्यूम पे जब आप जाते हो तो बाहर वाले को सुनाई देता है आप कौन सा गाना सुन रहे हो। अब बात किया जाए टच कंट्रोल्स की, कोई भी बटन के ऊपर सिंगल टैप किया आपका म्यूजिक प्ले पॉज होगा, डबल टैप किया राइट पे वॉल्यूम अप, लेफ्ट वाले पे किया वॉल्यूम डाउन, ट्रिपल टैप किया राइट वाले पे नेक्स्ट म्यूजिक, लेफ्ट वाले पे किया प्रीवियस म्यूजिक, होल्ड करके रखा कोई भी बट्स को 3 सेकंड के लिए, ये गूगल या आपके फोन में सीरी है जो भी है उसको उठा देगा और वो आपसे बात करना शुरू कर देगी। एंड उसी के साथ साथ भी मिल जाते हैं 5 टैप्स मिलता है आपको रेज मोड, मतलब गेमिंग मोड, एक बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। 40 मिलीसेकंड लेटेंसी हो जाती है जो काफी लो लेटेंसी है, आपको बिल्कुल गेमिंग में मजा आएगा। यहाँ पे आप COD खेलो, PUBG खेलो, कोई भी गेम खेलो, आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस 100% मिलेगा। एंड यहाँ पे साथ ही साथ हॉपअप ने दोनों में एक एक माइक दिया, डुअल माइक्स दिए गए। यहाँ पे वो लोग यूज कर रहे हैं हश मोड जो बेसिकली नॉइस कैंसलेशन होता है जब दो माइक्स एक साथ यूज होते हैं इन बड्स के लेफ्ट एंड राइट वाले। एंड छोटा सा मैंने माइक टेस्ट भी बनाया है, वो भी आप सुन सकते हो। तो गाइस ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है माइक क्वालिटी हॉपअप के एडोज H30 की। मेरे आजू बाजू बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, पीछे क्रशर चल रहा है, आपको बैकग्राउंड में आवाज समझ में आ रही होगी। आउटडोर में रोड के पास ऐसी कुछ माइक क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यह हश मोड सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे साथ ही साथ हॉप अपना IPX4 की रेटिंग मिली, मतलब जिम वर्कआउट्स है कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का फुल्का बारिश के छींटे वीटे भी लग गए इतना कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बड्स मिल जाते हैं आपको 35 mA के एंड ये लोग तो 10 घंटे क्लेम करते हैं, पर फुल वॉल्यूम पे आपको फिर भी यहाँ पे 7-8 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। 250 mA का केस है, वो लोग बोल रहे 30 घंटे तक आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बट मेरा यूजेज 21 से 22 आवर्स। ये TWS आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ दे रहे हैं 900 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। साथ ही साथ हॉप अपने यहाँ पे आपको रैपिड चार्जिंग भी दी है, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करोगे तो यहाँ पे
काफी इजिली आपको 60 मिनट्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, एक बजट TWS होने के बाद भी आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जा रही है। डेफिनेटली अगर आपको एक हाफ इंडिया डिजाइन वाला TWS चाहिए 900 रुपए में 899 में, दिस इज अ वेरी गुड TWS। एंड अगर आप इसको फर्स्ट सेल में ही ले लेते हो मतलब और कम प्राइस में मिल जाएगा आपको ये 900 रुपए से, जहाँ बेसिकली ये एक और ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए बन जाती है। इस प्राइस ब्रैकेट में 100% मेरे हिसाब से आपको इसको लेना चाहिए। एंड बाय करने के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।